डार्क कॉमेडीज किसको पसंद नहीं है। एक थ्रिल और सरप्राइज एलिमेंट रहता है डार्क कॉमेडीज में। इस तरह की फिल्म्स में कॉमेडी इज नॉट स्लैपस्टिक, वो डम डाउन करके दिखाने वाली कॉमेडी नहीं होती है। डार्क कॉमेडी शो आर डार्क रियलिटी थ्रू इट्स स्टोरी लाइन। ये वीडियो उन्हीं फिल्म्स के बारे में है। माई नेम इज विशाल एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू अबाउट 10 बेस्ट डार्क कॉमेडी मूवीज ऑफ बॉलीवुड। ये सभी फिल्म्स मेरी पर्सनल फेवरेट्स हैं, सो इसीलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशंस होंगी इस वीडियो में, सो इसे एंड तक जरूर देखना। 7 6 5 नंबर 10 99 राजन डी के नो हाउ टू मेक अ डार्क कॉमेडी। मैं उनकी कोई भी फिल्म इस वीडियो में रख सकता था बिकॉज उनकी हर फिल्म में डार्क कॉमेडी होती ही है, बट आई चोज 99 क्योंकि उस टाइम के लिए ये बहुत यूनिक फिल्म थी। बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ मैच फिक्सिंग स्कैंडल, फिल्म एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टोरी को कैसे डार्क कॉमेडी के थ्रू दिखाती है, दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फिल्म। आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच इट इफ यू हैवंट टिल नाउ। नहीं ना, प्रसाद ले, प्रसाद ले। नहीं सर, मैं डाइट पे हूँ। दिखता है। नंबर 9, 10 विदानिया। हाउ डज अ फिल्म दैट टॉक्स अबाउट डेथ कैन बी सो गुड इन कॉमेडी। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 10 विदानियां देखनी चाहिए। फिल्म में हम एक ऐसे कैरेक्टर को देखते हैं जिसके पास थोड़ा ही टाइम बचा है और वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसी 10 विशेस प्लान करता है जिसको वो पूरा करना चाहता है। विनय पाठक फिल्म के प्रोटैगनिस्ट हैं और जिस तरह से फिल्म के ह्यूमरस मोमेंट्स और इमोशंस को बैलेंस करके दिखाया जाता है, दिस इज समथिंग व्हाट टुडेज फिल्म मेकर्स लैक। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत लोगों ने 10 विदानियां नहीं देखी होगी, पर जिन्होंने भी देखी है प्लीज आप अपना ओपिनियन इस फिल्म के बारे में कॉमेंट्स में जरूर बताना। मेरे भी बहुत एंबिशंस हैं लाइफ में, बहुत सी चीजें हैं लाइफ में जो मैं भी करना चाहता हूँ। नंबर 8, फंस गए रे ओबामा। फिल्म की स्टोरी में हम एक किडनैपर गैंग को देखते हैं जिसका रिसेशन की वजह से काम खराब हो चुका है। लिटरली जब भी वो लोगों को किडनैप कर रहे हैं तो लोग पैसे देने को तैयार नहीं है बिकॉज रिसेशन की वजह से किसी के पास पैसे नहीं बचे हैं। बहुत ही अमेजिंग सटायर कॉमेडी है ये, जिसको अगर आप सोच के देखो तो ये कितनी क्राइम ड्रिवन कहानी है, बट द वे दिस फिल्म वॉज मेड इट रियली मेड मी फील सिंपथेटिक फॉर दिस क्रिमिनल गैंग। मेरे ओपिनियन में फंस गए रे ओबामा इज वन ऑफ द बेस्ट डार्क कॉमेडीज ऑफ इंडियन सिनेमा। आई एम वेरी श्योर कि आप में से बहुत लोग अग्री करेंगे मेरे साथ। वो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था कि आपका ऑफिशियली किडनैप कर लिया हमने। नंबर 7, कलाकांडी। अगर आपको दिल्ली बेली का ह्यूमर पसंद आया था तो आपको कलाकांडी भी देखनी चाहिए। मेड बाय द सेम डायरेक्टर, ये एक बहुत ही अंडररेटेड डार्क कॉमेडी है। मैं फिल्म के बारे में ज्यादा प्लॉट रिवील नहीं करूंगा बिकॉज फिल्म का प्लॉट बहुत ही छोटा है। लिटरली फिल्म में सिर्फ एक रात की कहानी है और फिल्म के सभी कैरेक्टर्स बहुत वियर्ड हैं। यू कैन इवन कॉल इट अ स्टोनर कॉमेडी फिल्म, जो बॉलीवुड में तो बहुत रेयरली बनती है। नो लिकी, नो सकी, नो लव यू लॉन्ग टाइम, ओनली लुकी। नंबर 6, मोनिका ओ माय डार्लिंग। बेस्ड अराउंड अ मर्डर मिस्ट्री, मोनिका ओ माय डार्लिंग इज टॉप क्वालिटी डार्क ह्यूमर। फिल्म की सिचुएशन जिस तरह से पैन आउट होती हैं और कैसे ह्यूमर इसमें ब्लेंड किया जाता है, इट मेक्स अप फॉर अ ग्रेट सिनेमा एक्सपीरियंस। आई डोंट थिंक कि जो इस फिल्म का ह्यूमर है वो सबके लिए इतना इफेक्टिव होगा, बट मेरे ओपिनियन में ये फिल्म अहेड ऑफ टाइम है काफी एस्पेक्ट्स में। मिस्टर जयंत आठेकर, पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है, कम है फास्ट। नंबर 5, लूट केस। एक पैसों से भरा बैग एक चलते फिरते आम आदमी को मिल जाए और उस बैग के पीछे गैंगस्टर्स, पुलिस, पॉलिटिशियंस सब पड़े हों, और शायद ऐसा भी हो जाए कि इस बैग के लिए शायद लोगों की जान भी चली जाए। लूट केस एक बहुत ही वेल मेड डार्क कॉमेडी फिल्म है जो हर तरह की ऑडियंस को पसंद आएगी। मैंने इस फिल्म को लॉकडाउन के अराउंड देखा था और मुझे याद है कि उस टाइम पे इस फिल्म ने मेरे को हंसाने में कितनी मदद की थी, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो द काइंड ऑफ टाइम इट वॉज। सो इसीलिए लूट केस मेरे लिए बहुत स्पेशल है। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि आपको लूट केस कैसी लगती है। ये ऐसा वाला मशीन किधर मिलता है? क्यों, घर पे दो गोनी भर के पैसा पड़ा है, गिनने नहीं हो रहा। नंबर 4, अंधाधुन। श्रीराम राघवन की हर फिल्म में डार्क कॉमेडी होती ही है, सो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी टू सेलेक्ट अ फिल्म दैट कैन बी कंसिडर्ड अ कॉमेडी थ्रिलर। सो मैंने उनकी सब फिल्म्स में से सेलेक्ट की है अंधाधुन। ये एक परफेक्ट मर्डर मिस्ट्री है विद अ टच ऑफ डार्क कॉमेडी। लिटरली एक सीन में इंसान को मारा जा रहा है और दूसरे सीन में इंसान के मौत के अराउंड ही जोक है। काफी मॉर्बिड स्टफ है इस फिल्म में। इस फिल्म को जब आप देख रहे होते हो तो एक बहुत ही अलग तरह की टेंशन फील होती है। दैट इज वाई आई फील कि लोगों को अंधाधुन इतनी पसंद आती है, नॉट जस्ट फॉर द थ्रिल्स बट ऑल्सो द वे इट शोज कॉमेडी। नंबर 3, घनचक्कर।
आई थिंक ऑडियंस इस फिल्म को भूल चुकी है। घनचक्कर इज अ ब्रिलियंट डार्क कॉमेडी। फिल्म की जो स्टोरी है वो एक बैंक रॉबरी के अराउंड है और कैसे उनमें से एक कैरेक्टर को भूलने की बीमारी है और अब होता क्या है कि वो भूल जाता है कि उसने रॉबरी के पैसे कहाँ रखे हैं। इसके बाद जो भी फिल्म में होता है उसके लिए आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। घनचक्कर के सभी कैरेक्टर्स इतने वेल रिटन हैं कि आप फिल्म देखते हुए बहुत हंसोगे और इसका एंड आपको सरप्राइज कर देगा। पंडित कौन? पंडित 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 कौन? पंडित 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 रॉन्ग नंबर। नंबर टू, दिल्ली बेली। मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि दिल्ली बेली के इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी बॉलीवुड में डार्क कॉमेडीज कभी मेनस्ट्रीम क्यों नहीं हुई। दिल्ली बेली मेरे ओपिनियन में एक पैथ ब्रेकिंग डार्क कॉमेडी फिल्म थी। फिल्म की जो सिचुएशंस थी वो बहुत यूनिक थी और जिस तरह से वो सिचुएशंस को हमें एज कॉमेडी दिखाया जाता है वो ऑडियंस के लिए बहुत नया था। एक सरप्राइजिंग फैक्टर था इस फिल्म की कॉमेडी में। दैट इज व्हाई दिस फिल्म वॉज सक्सेसफुल एट द बॉक्स ऑफिस। बहुत ही वेल रिटन फिल्म थी एंड इन माय ओपिनियन दिल्ली बेली कैन बी कंसीडर्ड अ कल्ट फिल्म। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स या कुछ था? इंडियन हैंडीक्राफ्ट में तूने डब्बा भर के टट्टी भेजी थी, पैकेज कहाँ है मेरा? नहीं सर, टट्टी रियली। नंबर वन, पीपली लाइव। एक किसान का लोन ना देने के कारण अपनी जान दे देना। जस्ट इमेजिन इस रियल लाइफ ट्रेजेडी पे एक ह्यूमरस सटायर फिल्म बनाना कितना चैलेंजिंग होगा। दैट इज वाई पीपली लाइव इज माई फेवरेट डार्क कॉमेडी फिल्म। जिस तरह से ये फिल्म अपने कैरेक्टर्स की मजबूरियों को दिखाती है एंड देन ब्रिंग्स अ जेन्युइन ह्यूमर टू दैट सिचुएशन, इससे बेटर राइटिंग कॉम्बिनेशन रेयरली आपको देखने को मिलता है। काफी थॉट प्रोवोकिंग फिल्म थी है और सोशली इम्पॉर्टेंट भी एंड बहुत फनी भी, इसलिए आई हैव केप्ट पीपली लाइव ऑन द नंबर वन स्पॉट। अरे कह दिया ना कि हम देंगे जान, खड़ा है जान देने वाला। नहीं भैया हम ही देंगे, जा पक्का। All right then, वीडियो खत्म करते हैं। ये तो थी 10 बेस्ट डार्क कॉमेडी फिल्म्स ऑफ बॉलीवुड। जाते जाते आपके लिए क्वेश्चन, आपके लिए इन सभी फिल्म्स में से नंबर वन डार्क कॉमेडी फिल्म कौन सी है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ। एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर ऑलवेज बींग सपोर्टिव ऑफ माई वीडियोज। मैं सोच रहा था कि बहुत टाइम से आपको थैंक यू करूं, सो हियर इज अ थैंक यू। ऑलराइट, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग फिल्म कंपेनी लोकल फॉर मोर वीडियोज लाइक दीज़।